हाउ टू फिक्स डिजी लॉकर पेंडिंग फाइल्स प्रॉब्लम। हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब हम डिजी लॉकर में कोई डॉक्यूमेंट इशू करवाते हैं या फिर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हमें एरर आता है इस तरह से, जिसमें पेंडिंग लिखा आ रहा है। तो बेसिकली हम अभी जो है यहाँ पर XI मार्कशीट को ऐड करने की कोशिश में है, लेकिन वो पेंडिंग में चला गया है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए, इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो बेसिकली जब आप इशू करोगे ना, तो उस टाइम आपको ये पेंडिंग दिखाता है, ठीक है। पेंडिंग हमेशा के लिए आता है एंड सभी के आता है, ऐसा नहीं कि आपके डिवाइस में आ रहा है। ये डिजी लॉकर की प्रॉब्लम है, जिसमें आप जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, इशू करोगे या फिर ऐड करोगे, तो वहाँ पर आपको कुछ समय के लिए ये पेंडिंग ही दिखाता है। हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर एक 3 डॉट दिया जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें रिट्राई का ऑप्शन दिया जा रहा है, रिट्राई पर दबाएंगे, फिर से ये लोडिंग लेगा, अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा एंड फिर पेंडिंग आ रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट ऐड करने की इसमें कोशिश कर रहे हो, डिजी लॉकर उसे वेरीफाई करने में थोड़ा समय लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम XI का मार्कशीट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिजी लॉकर क्या करेगा, अपने सर्वर को हमारा जो डेटा है वो भेज देगा। उसके बाद सर्वर आगे जो भी वेबसाइट है, जो भी जहाँ पर आपका जो मार्कशीट वगैरह है, वहाँ पर जाएगा एंड वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को डिजी लॉकर करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इस केस में इस तरह से जो है प्रॉब्लम आती है। बेसिकली ये प्रॉब्लम आपकी जो है 2-3 घंटे में अपने आप सॉल्व हो जाती है, अपने आप ये जो है ऐड हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। 1-2 घंटे तक आपको वेट करना है, क्योंकि जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने में काफ़ी वक्त लग जाता है एंड डिजी लॉकर को थोड़ा समय आपको देना है, ठीक है। ये हो गया पहला मतलब प्रोसेस। अगर अभी भी मतलब 2-4 घंटे हो गए फिर भी पेंडिंग में है, उस केस में आपको करना है प्ले स्टोर को ओपन, यहाँ पर डिजी लॉकर लिखेंगे, डिजी लॉकर सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको आकर देखना है इसका कोई अपडेट आया है क्या। अगर आपको इसका कोई अपडेट बता रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसे अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से डिजी लॉकर को अपडेट कर लीजिए। फिर भी अपडेट भी कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, उस केस में आपको करना यही है, अपने फ़ोन से डिजी लॉकर को डिलीट कर देना है, यानी अनइंस्टॉल एक बार इसे कर देना है। यहाँ से हम इसे अनइंस्टॉल करेंगे एंड देन फिर से हमें इसे रीइंस्टॉल करना है, एक बार हटा देंगे और फिर से वापस इसे इंस्टॉल करेंगे एंड देन फिर इशू करने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।